बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफदर स्पोर्ट्स पर। दोस्तों बात करते चलें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट और T20 सीरीज इस बार होने जा रही है उसके लिए 29 रुकनी स्क्वाड का तो ऐलान हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PCB को बुलाया और 3 खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल करने का मुतालबा कर लिया है। आज आप दोस्तों को बताते हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन से खुश नसीब खिलाड़ी हैं जिनको इमरान खान की सिफारिश पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर चैनल पर पहली मरतबा विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर नई आने वाली अपडेट्स आपको लम्हा ब लम्हा और वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप दोस्तों को बताते चलें कि अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने PCB को अपनी बैठक पर बुलाया बनी गाला में। खेलों पर बहुत ज़्यादा मशवरत हुई कि किस खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए और किस को नहीं। क्रिकेट की जो बजट है उसके बारे में भी इमरान खान ने PCB को बताया कि बजट इतना हुआ क्रिकेट का। तो आज दोस्तों आप दोस्तों को बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर PCB ने 3 खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया है। आप दोस्तों को बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट और T20 सीरीज़ होने वाली है उसके लिए 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाने वाले हैं। उस तीनों फार्मेट्स में यानी कि T20 में भी और टेस्ट में भी, टेस्ट भी 3 खेले जाएंगे और T20 भी 3 खेले जाएंगे। दोनों फार्मेट्स तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा जो कि 3 के 3 खिलाड़ी इन दो फार्मेट्स टेस्ट और T20 फार्मेट्स में शामिल होंगे जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है। आप दोस्तों को बताते चलें कि पहले नंबर की बात की है कामरान अकमल की जो कि विकेट कीपर भी होंगे और पाकिस्तान टीम के अच्छे ओपनर। दूसरे नंबर की बात की जाए तो शर्जील खान को पाकिस्तान टीम में शामिल किया जा रहा है और बहुत ही जो बड़ी तब्दीली की जा रही है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी की इमरान खान ने सिफारिश कर दी है, वो है मोहम्मद आसिफ जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं, आमिर से भी ज़्यादा और ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं। तो दोस्तों इन तीनों में से अगर आपका कोई पसंदीदा फेवरेट खिलाड़ी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरी वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।